व्हाट इज डिजिटल फुटप्रिंट? इसी को हम साइबर शेडो, इलेक्ट्रॉनिक शेडो या डिजिटल शेडो बोलते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट एक्चुअली होता क्या है? इट इज अ रिकॉर्ड और अ ट्रेस ऑफ एनी इंडिविजुअल अबाउट हिज और हर ऑनलाइन एक्टिविटी। इट इज स्टोर्ड परमानेंटली। जब भी हम किसी वेबसाइट पर सर्फ करते हैं या हम इंटरनेट सर्फिंग करते हैं तो हमारी हिस्ट्री, हमारे ट्रेसेस रिकॉर्ड हो जाते हैं उस सर्वर पे। तो इसको हम बोलते हैं डिजिटल फुटप्रिंट्स। हम कोई भी एक्टिविटी ऑनलाइन करते हैं तो वो रिकॉर्ड हो जाती है वेब सर्वर पे, और ये हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स होते हैं। ठीक है, अब ये डिजिटल फुटप्रिंट्स दो तरह से क्रिएट होते हैं, एक है एक्टिव और एक है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट वो फुटप्रिंट्स हैं जिसे हम अपनी परमिशन के थ्रू, जिसमें हमारी कंसेंसस होती है, जिसमें हमारी मर्जी होती है, और यूजर डेलिबरेटली शेयर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट देमसेल्फ। जैसे आपसे कभी कभी, आप जब बैंक की एप्लीकेशन यूज करेंगे तो आपको अपनी लोकेशन शेयर करनी पड़ती है। मैं जब बैंक का अगर ऐप यूज करता हूँ तो मुझे अपनी लोकेशन शेयर करनी पड़ती है। ठीक है, इसी तरीके से मैं जब गूगल यूज करता हूँ या मैं यूट्यूब चलाता हूँ तो मुझे अपनी लोकेशन शेयर करनी पड़ती है। मैं जब गूगल मैप चलाऊंगा तो मुझे अपनी लोकेशन शेयर करनी पड़ती है। ठीक है, तो सर्टेन सिचुएशंस पे आप अपनी, आप अग्री करते हो कि यस ओके, आई एम ओके विद शेयरिंग माय इंफॉर्मेशन और शेयरिंग माय लोकेशन और शेयरिंग अदर इंफॉर्मेशन। तो जब आप अपनी, जब आपकी परमिशन होती है उस टाइम जो डिजिटल फुटप्रिंट्स रिकॉर्ड हो रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव डिजिटल फुटप्रिंट्स। दैट इज कॉस्टिंग योर डेटा ऑन इंस्टा और एफबी और ट्विटर। मैं अगर भी यूट्यूब चैनल पर अपना वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं उसमें लोकेशन स्पेसिफाई करूंगा कि ये लोकेशन, किस लोकेशन पे वीडियो रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, तो लोगों को पता चलता है कि सेफ क्लासेस के थ्रू हमने वीडियो को अपलोड किया है या TGSS में बैठ के हमने अपलोड किया है। ठीक है, जब हम कोई ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करते हैं, इसके अलावा जब हम कुकीज, जब हम कोई मोबाइल पर अपनी ऐप खोलते हैं या वेबसाइट खोलते हैं तो वो हमको कहता है कुकीज के लिए ओके कर दीजिए। दैट मीन्स अगर आपको इस वेबसाइट को सर्व करना है so you have to click on agree button so that the cookies will be stored। तो आपके सिस्टम पे, आपके मोबाइल पे कुकीज स्टोर होगी। हम इस टॉपिक पे आएंगे कि कुकीज क्या होती है। तो पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट अब क्या होता है? अब आता है पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट क्या होता है? When user's information is collected without his or her consent, that means secretly, बिना आपको बताए हुए आपकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, या आपकी जो हिस्ट्री है, जो आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं या कुछ भी किसी वेबसाइट पे, और आप कुछ भी काम कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो दैट इज कॉल्ड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। वेबसाइट विच इंस्टॉल्स कुकीज विदाउट अवर नॉलेज इन अवर सिस्टम। बहुत सी वेबसाइट्स हमारे सिस्टम पे कुकीज स्टोर करते हैं। कुकीज एक प्लेन टेक्स्ट फाइल होती है जिसमें हमारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है कि हमने कौन सा फॉर्म फिलअप किया है, उस फॉर्म में क्या डेटा फिलअप किया, हमने कौन सी वेबसाइट सर्च की है, हमने कौन सा टर्म सर्च किया है। ये सारी इन्फॉर्मेशन, लॉगिन इन्फॉर्मेशन, पासवर्ड, ये सब हमारी कुकीज में स्टोर हो जाती है। ठीक है, तो अक्सर आपने देखा होगा जब आप अपने फ़ोन में कभी भी यूट्यूब खोलते हैं तो आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता। अगर आप फेसबुक चलाते हैं या इंस्टा चलाते हैं तो आपको बार बार लॉगिन नहीं करना पड़ता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो इंस्टाग्राम में लॉगिन कर रहे हैं या आप उसको विजिट कर रहे हैं या एप्लीकेशन ओपन कर रहे हैं तो लॉगिन और पासवर्ड की स्टेप को फॉलो नहीं किया जाएगा। वो फॉलो होता है लेकिन इतना फास्ट और ऑटोमेटिक होता है कि आपका जो डेटा है वो कुकी से उठा लेता है और आपको लॉगिन सेशन प्रोवाइड कर देता है। एक्चुअल में होता यह है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन कुकीज से उठ जाती है। ठीक है, तो कुकीज का कॉन्सेप्ट ये है, वेबसाइट विच इंस्टॉल्स कुकीज विदाउट अवर नॉलेज, विदाउट अवर परमिशन, ऐसी कुकीज को हम बोलेंगे पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट्स की कुकीज। ठीक है, लेकिन अगर हमारी परमिशन है, हमको कह रहा है कि एग्री बटन दबाओ, अगर नहीं दबाओगे तो नहीं सेव करेंगे, और अगर एग्री कर दोगे तो फिर हम सेव करने लगेंगे। ध्यान रखें कि जो कुकीज होती हैं वो हमारे लैपटॉप और हमारे मोबाइल पे सेव होती हैं। जब हम अगली बार उस वेबसाइट को सर्च करेंगे तो क्या होगा, वो वेबसाइट्स का जो सर्वर का सिस्टम है वो देख लेगा कि ये वही यूजर है जो पहले हमारे वेबसाइट पर विजिट कर चुका है, और फिर तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चीज़ें तुम्हें लोड करेगा। जैसे अमेज़ॉन, जब हम अमेज़ॉन में कोई चीज़ सर्च करते हैं और हमने उसे परचेज नहीं किया, हमने उसे विश लिस्ट में डाल दिया या हमने सिर्फ सर्च ही किया था, अब कुछ दिनों के बाद हम फिर से जब प्रोडक्ट परचेज करने आते हैं या हम अमेज़ॉन की ऐप पर विजिट करते हैं तो हमें वही प्रोजेक्ट सजेस्ट करके दिखाता है जो हमने कुछ दिन पहले विजिट किए होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन उसने उठा के कुकीज़ बना के या इस कुकी में सेव कर दी थी हमारे मोबाइल पर या हमारे लैपटॉप पे। तो अगली बार जब हम उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से अमेज़ॉन की साइट में जाएंगे तो वो हमको क्या करेगा, सेम चीज़ हमको फिर से दिखा देगा कि तुम ऑलरेडी ये विजिट कर चुके थे तो तुम्हारे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग
और कुछ नए प्रोडक्ट्स आए हैं और कुछ नया शॉप में आया है तो प्लीज चेक इट ऑल्सो। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये कुकीज का कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अगर इंफॉर्मेशन तुम्हारी मर्जी से स्टोर हो रही है तो वो एक्टिव है, और अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है विदाउट योर परमिशन है तो दैट इज कॉल्ड पैसिव डिजिटल फुटप्रिंट। होप दैट इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस और नो? गुड। अब सवाल ये है कि डिजिटल फुटप्रिंट्स को मैनेज क्यों करना चाहिए? इसके कई रीजन होते हैं। डिजिटल फुटप्रिंट का कई अगर हम उसको मैनेज नहीं करेंगे तो उसके बड़े नुकसान भी हैं। ठीक है, मतलब हमारी इंफॉर्मेशन किसी को पता चल रही है, वो उसका किस हिसाब से मिसयूज करेगा, तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारी इंफॉर्मेशन बगैर हमारी मर्जी के किसी भी ऐप पर शेयर हो जाए। ठीक है, क्योंकि उससे फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है, और फिर ये प्राइवेसी का भी एक बहुत बड़ा इशू है कि विदाउट योर परमिशन somebody इज चेकिंग यू, somebody इज नोटिसिंग यू एंड कीपिंग अ ट्रैक ऑन यू कि तुम क्या कर रहे हो, अपनी प्राइवेसी में तुम क्या कर रहे हो, कौन सी ऐप्स में जाते हो, कौन सी वेबसाइट सर्च करते हो, कौन से प्रोडक्ट्स ऑर्डर करते हो, ठीक है, किन लोगों से बात करते हो फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पे, किसको रिक्वेस्ट भेजते हो फेसबुक पे, ठीक है, तो तुम्हारी किससे कॉन्टैक्ट चल रहा है। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारी बगैर मर्जी के स्टोर हो रही है, दैट इज़ अ प्राइवेसी प्रॉब्लम। ओके, सो वी आर नॉट गोइंग टू शेयर आवर प्राइवेसी विद एनी अननोन पर्सन। सो दैट इज अ मैटर ऑफ अ फ्रीडम ऑल्सो, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज मे बी अगर इस तरह के बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स को ये सब इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सो दे कैन गिव यू अ फाइनेंशियल लॉस ऑल्सो, मतलब हो सकता है कि वो हमें फाइनेंशियली चीट कर लें। अच्छा, एक और चीज़ होती है, अब बहुत ऐसा होता है कि जो भी हम इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप पे या इस तरह की सोशल नेटवर्किंग ऐप्स पे चलाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन बहुत से लोग देख रहे होते हैं। अब आपकी कोई फ़ोटो है और आपने वो फ़ोटो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करी थी, उस फ्रेंड्स की लिस्ट में कोई ऐसा इंसान भी था जो कि सही नहीं था या फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स में था, उसको भी एक्सेस था आपकी फ़ोटोज़ का, ही इज़ मिसयूजिंग योर फोटोज, ही इज़ मिसयूजिंग योर इमोशंस, योर पार्ट, योर फैमिली मोमेंट्स एंड ऑल दीज थिंग्स। सो रेपुटेशन इज़ ऑल्सो अ बिग इशू, तो वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन दोज थिंग्स। सो इसीलिए डिजिटल फुटप्रिंट्स कहाँ शेयर करने हैं, कहाँ नहीं शेयर करने, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें एंड सेव योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एज वेल। तो ये सब कुछ किस लिए? ताकि हम अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को मैनेज कर सके, इसलिए मैनेज कर सके ताकि कोई हमारी रेपुटेशन को ख़राब ना कर सके, हमें फाइनेंशियली चीट ना कर सके, हमारी प्राइवेसी में इंटरफियर ना कर सके, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो हमारे लैपटॉप्स पे हैं, हमारे गूगल ड्राइव्स पे हैं या हमारे पास है ऑनलाइन ड्राइव्स पे, क्लाउड्स पे, वो हमारी अनऑथराइजली एक्सेस ना हो जाए किसी और के थ्रू, तो हम डिजिटल फुटप्रिंट्स को मैनेज करते हैं। अब यही सब इसके रिस्क हैं कि आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, आपके साथ कोई स्कैम कर सकता है, स्कैम का मतलब है कि आपको फाइनेंशियली चीट कर सकता है, आपके चुपचाप से आपके पैसे चुरा सकता है, आपको कह के मैं हम KYC कर रहे हैं और आप प्लीज़ इस KYC फॉर्म को फिलअप कर दीजिए और लिंक को क्लिक कर दीजिए, और इस तरह से बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं जिसे मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीज़ों से अगर आपको बचना है सो यू नीड टू मैनेज योर डिजिटल फुटप्रिंट्स। ठीक, क्योंकि उसका बहुत नुकसान होता है। अब मैनेज कैसे करेंगे? बड़े सिंपल तरीके हैं मैनेज करने के। सबसे पहले कि आप जो अपना पासवर्ड यूज़ करेंगे वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, डिजिट्स, स्पेशल कैरेक्टर्स, अपर कैरेक्टर्स, लोअर केस कैरेक्टर्स, समथिंग लाइक दिस। ओके, डोंट यूज़ योर नेम इन द पासवर्ड, डोंट यूज़ समटाइम्स सम ऑफ द स्टूडेंट्स आर यूजिंग पासवर्ड टर्म लाइक दिस। बहुत से स्टूडेंट्स को आपने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर ये जो पासवर्ड है ना, ये वर्ड यूज़ करते हैं, मतलब पासवर्ड के लिए PSSWORD वर्ड यूज़ करते हैं। सो डू नॉट यूज़ सच काइंड्स ऑफ शॉर्ट लेटर पासवर्ड्स, यूज ऑलवेज द कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फानुमेरिक्स, स्पेशल कैरेक्टर्स एंड ऑल दिस। ठीक है, ऐसा पासवर्ड मत बनाए जो कोई गैस कर ले, और इसको कहीं इस तरह से मत लिख के रखिए कि वो डायरी में आपने लिख लिया और वो डायरी किसी को भी एक्सेस हो जा रही है। ठीक है, या कंप्यूटर के ऐसी किसी फाइल में डाल दिया कि वो फाइल कोई भी खोल देता है। सो डू नॉट डू दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स। ठीक है ना, अब कवर कीप ऑल सॉफ्टवेयर अप टू डेट। यस, आप अपने जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, एंटीवायरसेस हैं, कीप इट अपडेटेड एंड सो दैट इन केस इफ एनी लूप होल इज देयर, अगर किसी ऐप में कोई बग है जिससे आपके डेटा चीट किया जा सकता है, आपका डेटा चुराया जा सकता है, तो वो भी प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। ओके, एंटीवायरस हमेशा आपका लेटेस्ट होना चाहिए और वो प्रॉपरली अपडेटेड होना चाहिए। कभी भी जो एंटीवायरस आते हैं फ्री के और क्रैक्ड एंटीवायरस जो आपको नेट पे मिल जाएंगे,
क्रैक के साथ, पासवर्ड्स के साथ, डोंट यूज दोस एंटीवायरस बिकॉज दे आर ऑलरेडी डेवलप्ड बाय द साइबर क्रिमिनल्स, सो दैट यू यूज देम एंड दे देन वंस यू इंस्टॉल इन योर सिस्टम देन दे विल कम एंड एक्सेस योर सिस्टम विदाउट योर इवन नॉलेज. रिव्यू योर मोबाइल फोन्स एंड रिमूव अननेसेसरी एप्स. बहुत सी एप्स ऐसी होती हैं जो प्ले स्टोर पर नहीं होती, हम उन्हें फिर भी इंस्टॉल कर लेते हैं. कुछ गेम्स होते हैं विच आर नॉट इवन गुड फॉर अस, ठीक है, मतलब वो किसी ऐसी लिंक से आपको मिल रहे हैं वो गेम्स, जो गेम जो लिंक आपको प्ले स्टोर पे नहीं मिलती या इस तरह से आपको ऐप स्टोर पे नहीं मिलती. आई एम नॉट एडवाइजिंग दोज एप्स टू इंस्टॉल इन योर सिस्टम. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक. अब नेटिकेट्स क्या होते हैं, नेटिकेट्स एटिकेट्स क्या होते हैं. एटिकेट मीन्स मैनर्स, एटिकेट्स मीन्स मैनर्स. ओके, नाउ इंटरनेट एटिकेट्स मीन्स मैनर्स वाइल डूइंग द इंटरनेट सर्फिंग और नेटवर्क नेटवर्क सर्फिंग. जब भी आप नेटवर्क पे हैं, इंटरनेट पे सर्फ कर रहे हैं, देन व्हाट आर द मैनर्स दैट हैज टू बी एडहेयर, दैट हैज टू बी फॉलोड. सो दैट इज व्हाट वी कॉल इज नेट एटिकेट्स. इट फोकस ऑन हाउ एन इंटरनेट यूजर इज सपोज टू बिहेव ड्यूरिंग ऑनलाइन सेशन. एक इंटरनेट यूजर को ऑनलाइन सेशन में कैसे बिहेव करना चाहिए, दैट इज नेटिकेट्स, मैनर्स. अब क्या नहीं करना चाहिए, वी विल फोकस ऑन इट. तो डोंट पास डेरोगेटरी रिमार्क्स. ये एक तरीका है, कभी भी किसी को भद्दे मैसेजेस, किसी को अब्यूजिव कमेंट्स मत पास कीजिए, किसी को इन्फ्लामेटरी कमेंट्स मत पास कीजिए. कहते हैं ना, जैसे किसी ने किसी को ऐसी बात कह दी जैसे उसको तकलीफ हो गई या चुभ गई, ठीक है, या कुछ भी कह दी, उसकी कास्ट को लेके कह दी, उसके जेंडर को लेके कह दी, उसकी रेस को लेके कह दी, या इसके अलावा उसकी कम्युनिटी को लेके कुछ गलत बात कर दी, तो दैट इज नॉट गुड. सो डोंट पास सच अ डेरोगेटरी रिमार्क्स एंड इन्फ्लामेटरी रिमार्क्स ऑन एनीबडी. Don't shout on it. Don't shout on it means don't use capital letters while typing the messages and comments. This is also. और इसके अलावा भी वीडियो रिकॉर्ड करके किसी को उल्टा सीधा कहना या किसी ग्रुप के पीपल को बोलना या कम्युनिटी को बोलना या रेस और जेंडर्स के बारे में कुछ ऐसी बात करना, दिस इज नॉट इवन एडवाइज एंड इट इज अ क्राइम अंडर द साइबर लॉज. ओके, डोंट रिस्पॉन्ड टू द इंटरनेट ट्रोलर्स. बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको परेशान करते हैं. सपोज यू आर द जेन्युइन गाय एंड यू आर डूइंग समथिंग एंड यू हैव लाइक द कमेंट्स और समथिंग हैपेंड इन द ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म में कुछ हुआ, आपने उसके सपोर्ट में कमेंट दे दिया, तो सम ऑफ द ग्रुप ऑफ द पीपल आर जस्ट आफ्टर यू एंड दे आर चेजिंग यू एंड वेन एवर यू आर ऑनलाइन दे आर पासिंग अ कमेंट टू यू. सो डोंट एंटरटेन दैम, गॉट इट, डू नॉट एंटरटेन दोज गाइज, गॉट इट और नॉट. Don't post private messages and photos. It is advised. अगर आप Insta पे या Facebook पे private messages post कर रहे हैं, so be very careful कि वो photos और कौन share कर रहा है. और आजकल इतने photo editing apps हैं कि उसका misuse भी किया जा सकता है. Okay, उसको किसी गलत context में आपकी photo को लगा करके उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. So एक while online conversation always stick to the given topic. ये नहीं कि topic से निकल के कहीं और चलेगा. जब भी आप किसी को सोशल नेटवर्क में, सोशल मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म पे कुछ भी मैसेजेस करो या इंटरनेट पे सर्फ करो, इंस्टा पे कर रहे हो, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, सब कुछ है, कीप द मैसेज क्वाइट ब्रीफ एज पॉसिबल एज यू कैन, ठीक है ना. यूज द डिसेंट लैंग्वेज. मैंने बोला ना कि डेरोगेटरी लैंग्वेज, डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं पास करना. डेरोगेटरी माने होता है गंदा, अब्यूसिव कमेंट्स, उसको बुरे बातें कहना, सब समझते हैं. ठीक, एक्सप्लीटिव्स बोलते हैं इसको, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लीटिव्स, एक्सप्लीटिव्स, ठीक है, एक्सप्लेटिव्स बोलते हैं गाली देने को. सो डोंट यूज दीज थिंग्स, यूज डिसेंट लैंग्वेजेस, रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी. ओके, वेरीफाई द पोस्ट बिफोर रीशेयरिंग. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आपने अक्सर देखा होगा फेसबुक पर लोग लाइव होते हैं और कहते हैं भाई साहब जल्दी जल्दी लाइक और शेयर और कमेंट कीजिए, इसको जितनी जल्दी हो सके लोगों में शेयर कर दीजिए. प्लीज डोंट रीशेयर. कोरोना के बारे में लोगों ने बहुत अफवाहें फैलाई, ये इससे ठीक हो जाएगा, ये इससे फैल रहा है, और स्पेन और इटली की जो डेड बॉडीज के जो वीडियोस थे उसको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चलाते रहे, ठीक है. तो दैट इज नॉट इवन एडवाइज्ड. आई विल एडवाइज एवरीबडी, डोंट रीशेयर द पोस्ट अनलेस यू वेरीफाई इट. जब तक आपने उसे वेरीफाई नहीं किया हो उसको शेयर मत कीजिए, उसको प्रॉपर वेरीफाई कीजिए. बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू आप उस वीडियो और डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं. बहुत सी इन्फॉर्मेशन बाद में गलत निकलती है, ठीक है. एंड यू फॉलो द कॉपीराइट लॉस. तो जो भी कॉपीराइट के लॉज होते हैं उनको फॉलो करो. होप दैट दिस नेटिकेट्स इज क्लियर टू एवरीबडी.